अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं अपना चैनल फसी दुबे दुबे। आप सब लोग को अपने चैनल पे एक नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे लोग, जब मैंने वो सेल्स की वीडियो डाली थी कि अजमान में जो इंडस्ट्रियल एरिया में डॉरमैक्स या ऐसा करके जो राउंड अबाउट है उसके पास जो सेल्स की जॉब्स हैं, तो उसके बारे में रिलेटेड मेरे से पूछ रहे थे कि अपना वहाँ का नंबर दे दें और या वहाँ पे रेफरेंस दे दें। वो वीडियो में बात करने का पर्पस ही यही था और वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि आप लोग वहाँ पे जाके खुद सर्च कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं और ख़ुद जाके उनको अप्रोच करके उनके साथ वो बार्गेनिंग करके या अपना बता के कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ या मेरे क्या स्किल्स हैं, अपना प्रोफाइल डिस्कस करके। प्लस मैंने एक और वीडियो भी डाल दी है कल जो डाली है कि जिसमें आप अपने अच्छी सी भी बना के उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनके साथ अपना जॉब के लिए बार्गेनिंग कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वहाँ पे जाके आपने खुद बात करनी है, वहाँ पे जाके आपने खुद उनको बताना है। और मेरे पास वो जॉब नहीं है, ना मैं जॉब कंसल्टेंसी अब करता हूँ, पहले करता था, अब नहीं करता, रोक दिया मेरे खुद के डिसीजंस की वजह से। हाँ, वीडियोस में मैं गाइड करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि किस किस तरीके की जॉब्स आप लोग ले सकते हैं, किस किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके की जॉब्स हैं। जैसे मैं पिछले दिनों भी वो मीना बाज़ार गया था अबू धाबी, तो वहाँ पे भी मैंने वीडियो शूट का आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि वहाँ पे आपको हेल्पर वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट में वेजिटेबल्स हेल्पर का या फ्रूट हेल्पर की जॉब ले सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर की वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं, ड्राइवर की आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरिया में जाके मिल्स में, फैक्ट्रीज़ में मैं वैकेंसीज निकाल रहा हूँ। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो मैं वैकेंसीज आप लोगों को दे रहा हूँ, वो मतलब मैं ये अवेयरनेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ या एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि जो एक नया लड़का आता है उसको यहाँ पे जॉब हंटिंग बड़ा मुश्किल होती है। बट मेरे या मेरे जैसे और लोगों के लिए जो यहाँ पे पुराने हैं, उनके लिए यहाँ पे जॉब निकालना या जॉब के लिए अप्रोच करना मुश्किल नहीं होता। तो मैं उस बेस पे आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ और उसी तरीके से आप लोग खुद जाके सर्च कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप लोग नहीं सर्च कर सकते तो फिर आप किसी और उसके बाद एजेंट वगैरह को अप्रोच करें। ठीक है, मुझे एटलीस्ट ना करें कि यार मुझे जॉब करनी है, क्योंकि मैंने ये काम छोड़ दिया, मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। ठीक है, बट मैं जॉब नहीं लगाता, ना जॉब करके देता हूँ, क्योंकि मेरी फील्ड टोटल डिफरेंट है। आप मैं जस्ट विजिट वीज़ा, टिकट वगैरह, ठीक है, टूरिज़म, इन चीज़ों को देखता हूँ। बाकी मेरे दोस्त वगैरह हैं जो करते हैं, ठीक है, मैं खुद नहीं करता ये काम। ना मुझे इस चीज़ के लिए पूछा जाए कि मेरी जॉब करा दें, या मैं अगर कोई वीडियो डालता हूँ तो उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट्स वगैरह डिटेल्स पूछे जाएँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं अगर आपने रिप्लाई नहीं करा तो व्हाट्सअप नंबर्स क्यों दिए। व्हाट्सअप नंबर्स मैंने मेरे काम के लिए दिए, मेरा रोज़गार है। ठीक है, कोई बंदा मेरे से काम की बात कर लेता है, जैसे किसी को कंपनी बनानी होती है तो मैं कंपनी सेटअप में हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरे पास PRO का लाइसेंस है, कंपनी फॉर्मेशन का, विजिट वीज़ा के किसी को बल्क में चाहिए होता है, ये मेरा रोज़गार है, ये मैं काम करता रहता हूँ। ठीक है, तो उनके लिए दिया होता है। आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप लोग भी मेरे से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, बट उसके मतलब नहीं कि मैं आपको रिप्लाई नहीं किया तो आप उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं, फेक है, झूठ है, बकवास है, आई नो, अटेंशन गेन करने के लिए ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे उठा के पोर्ट्रेट करना शुरू कर दें। तो खैर, फर्दर और वीडियोज़ आती रहेंगी, आजकल मैं इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। और हाँ, दूसरी बात, व्हाट्सएप पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिला तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कि आपका क्या क्यूरी है और क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।